इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बायोमास को फायरिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल बीते कुछ समय से कृषि अवशेषों से निर्मित बायोमास पैलेट्स की कमी देखी जा रही है। इसके चलते ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को फायरिंग की गति धीमी हुई है। आइए अब जानते हैं बायोमास के बारे में। तो ये प्रमुख रूप से पौधों या जानवरों द्वारा उत्पादित नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें लकड़ी, फसल अवशेष, मवेशी गोबर, खाद, सीवेज, कृषि अपशिष्ट आदि शामिल हैं। विद्युत या ऊष्मा के उत्पादन के लिए ईंधन के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। बायोमास ईंधन कार्बन न्यूट्रल होते हैं। इनका उपयोग कई विकसित और विकासशील देशों में परिवहन और विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर बायोमास को फायरिंग है क्या। तो ये कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है। इसमें कोयले को जलाने के लिए डिजाइन किए गए उच्च दक्षता वाले बॉयलरों में कोयले और बायोमास को एक साथ दहन किया जाता है। इसके लिए मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्र में आंशिक रूप से बदलाव किया जाता है। इससे कोयला विद्युत संयंत्र से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। आइए अब नजर डालते हैं इससे संबंधित चुनौतियों पर। तो को फायरिंग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का अभाव है। वहीं पैलेट निर्माण क्षमता अपेक्षित क्षमता से काफी कम होना भी शामिल है। इसके अलावा अधिकांश बायोमास कोयला संयंत्रों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इसे आमतौर पर खेतों में ही जला दिया जाता है। बायोमास पैलेट्स को संयंत्र स्थलों पर लंबी अवधि के लिए स्टोर करना चुनौतीपूर्ण है। ये पैलेट्स वायु से नमी को जल्दी से अवशोषित करते हैं, जिससे वे को फायरिंग के लिए बेकार हो जाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं इससे संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र में 5-10% को फायरिंग को अनिवार्य किया गया। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। इस मिशन को समर्थ यानी SAMARTH कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें शामिल है को फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर उच्च स्तर पर लाना, बॉयलर डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, बायोमास की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना और बायोमास को फायरिंग में नियामकीय मुद्दों पर विचार करना। इसके साथ ही पूरे देश में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पैलेट निर्माताओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है और विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। कथन दो, बायोमास ईंधन कार्बन न्यूट्रल होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।